choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवेंजर्स। तो अब तक कहानी में आपने देखा फिनिक्स फोर्स अपने नए होस्ट की तलाश में अर्थ पे आ चुकी है। इसने कई सारे अवेंजर्स विलन और बाकी सारे हीरोज को एक व्हाइट हॉट रूम में टेलीपोर्ट कर दिया है। फिर फिनिक्स फोर्स इन चैंपियंस को एक दूसरे के साथ लड़वा कर देखती है। बहुत सारे चैंपियंस हार कर बाहर में निकल चुके हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। हाल ही में जो लड़ाई चल रही है वो है ईकोम और नमोर की। आप लोग ये लड़ाई एंजॉय कीजिए, तब तक मैं आपको बता रहा हूँ कि नमोर क्या सोच रहे हैं। जब मैं एक बच्चा हुआ करता, हालांकि मैं इतना बड़ा नहीं था कि अकेले तैरने जा सकूं, तब मैंने एक शार्क को मारा था, एक बुल शार्क को। वो मुझसे काफी बड़ी थी। मैं उसे घसीटता हुआ जमीन पे लेकर गया और उसे पत्थरों पे दे मारा। तब मैंने उसका दम घुटते हुए देखा। फिर मेरी मॉम ने मुझे ढूंढ लिया। वो जानना चाह रही थी कि मैंने ऐसा क्यों किया। उसने मुझसे गुस्से में पूछा, क्या मैं जमीन पे अपने डैड के साथ रहना चाहूंगा जहाँ पे इंसान खुद काम या अपने लोगों का पेट भरने के लिए नहीं मारते बल्कि बिना ही किसी वजह से दूसरे जीवों को मारते हैं। तो मैंने झूठ बोला कि उस शार्क ने मुझे काटने की कोशिश की थी। मेरी मॉम ने कहा, अगर हम पानी के नीचे हर उस चीज को मार देंगे जो हमें काटने वाली हो तो जल्द ही यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं वैसा नहीं मानता था जैसा मेरी मॉम मानती थी। मुझे लगता था कि अगर मैं ऐसे ही कुछ मछलियों को और मार दूंगा तो पानी के अंदर हर कोई मुझसे दूर रहकर तैरना सीख जाएगा। सबक सिखाने के लिए मेरी मॉम ने मुझे शार्क की बॉडी को तलहटी पे अकेले ले जाने के लिए बोला। मेरे हाथों के अंदर वो काफी भारी लग रही थी लेकिन इतना भारी नहीं थी जितना मेरा दिल था। जब मैं उस मरे हुए शार्क को नीचे लेकर जा रहा था तब मैं रोने लगा। मैं इतना रोया कि पानी का लेवल बढ़ने लगा और जब मैं उस मछली को तलहटी पे डूबता हुआ देख रहा था जहाँ भूखे केकड़े और बैराकूडा उसके वेट कर रहे थे, वहाँ मेरी लाइफ का आखिरी आंसू बहा था। ये फ्यूचर किंग ऑफ अटलांटिस का आखिरी आंसू था। लेकिन वो शार्क पानी के नीचे मेरे हाथों मरने वाला आखिरी जीव नहीं था ताकि कोई भी मेरे अंदर अपने दांत गड़ाने की सोच भी ना सके। अगर मैं मरता हूँ तो ये समुद्र मेरे साथ मारे जाएंगे। मैं ही इस अर्थ को एक रेगिस्तान बनने से रोका हुआ हूँ लेकिन आज नहीं तो कल एक किंग को भी मदद की जरूरत पड़ जाती है। मुझे तारों की पावर चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं सरफेस पे रहने वाले लोगों को जला सकूं। मैं उनमें से सभी लोगों को नहीं जलाना चाहता। मुझे उनमें से कुछ लोगों को बस कुछ टाइम के लिए रोके रखना है ताकि मैं उन्हें तड़पता हुआ देख सकूं। मैं हूं नमोर ऑफ अटलांटिस, लॉर्ड ऑफ द सेवन सीज, और जल्दी मैं किंग ऑफ द हेवंस बन जाऊंगा। जल्दी मैं फिनिक्स बन जाऊंगा। इधर कैप्टन अमेरिका और सेंची की लड़ाई चल रही है। सेंची सोच रहे हैं, मानता हूं कि आपको यह सब दिखाई दे रहा होगा लेकिन मैं अपने मुक्को के साथ नहीं लड़ता। ये मुक्के तो बस पानी में डूबे हुए उस आइसबर्ग की तरह हैं जिसके सिर्फ चोटी दिखाई देती है, क्योंकि जो चीज छुपी हुई है उसमें असली ताकत है। मैं अपने कंधे, पिछवाड़े, सिर, पैर और दिल से वार करता हूँ, अपनी मेमोरीज और डर से वार करता हूँ, मेरे इंटरनल एनर्जी का यूज करते हुए, मेरी ची का। जब मैं पंच करता हूँ मैं अपनी बॉडी और सोल का इस्तेमाल करता हूँ। लात खाने के बाद कैप्टन ने कहा, बढ़िया है, अब मुझे फिर से मारो। सेंची कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा कैप्टन, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। कैप्टन ने कहा, और यकीन करो मैं भी तुमसे नहीं लड़ना चाहता, लेकिन ये फिनिक्स हमें और कोई रास्ता भी नहीं दिखा रही। ये किसी न किसी को तो अपना नया होस्ट बनाना ही चाहती है। बुलाए गए लोगों में से बहुत सारे लोग अपना काफी सारा टाइम इस बात के ऊपर सोचने में वेस्ट कर चुके हैं कि किसे फिनिक्स का नया होस्ट नहीं बनना चाहिए, लेकिन हमने ये बात नहीं की कि किसे उसका नया होस्ट बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं ये सही बात नहीं कर रहा। हम सभी जानते हैं कि एक बार होस्ट बन जाने के बाद फिनिक्स अपने होस्ट के साथ क्या करती है। जब तक हम इस टूर्नामेंट को रोकने का कोई तरीका नहीं निकाल लेते तब तक हमें इसके नतीजों को लेकर तैयार रहना चाहिए। शेंगचिंग, तुम एक काफी नायाब योद्धा हो, ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग में मदद करने के लिए आया हूँ ताकि तुम इस पावर को कंट्रोल कर सको और ये टूर्नामेंट जीत सको। अब मेरे चेहरे पे फिर से वार करो। तो गाइस ये लोग फिर से लड़ने लगते हैं और हम उस बात के ऊपर फोकस करते हैं जो कि सेंची कुछ टाइम पहले सोच रहा था। मैंने आपको एक पंच के बारे में बताया था जिसमें वो अपनी बॉडी और सोल का इस्तेमाल करता है। इस पंच को सीखने के लिए काफी साल लगे, काफी कठिन ट्रेनिंग थी। मैंने अपनी उंगलियों, अपने नाखूनों पे पुशअप्स किए, पत्थरों पे पंच किए और मैंने खुद को भी पंच किया जब तक मैं अंदर से काफी कठिन नहीं हो चुका था। मेरे अंदर ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो कि कमजोर हो। इसी तरीके से पंच किया जाता है, इसी तरीके से आग बना जाता है।
आग जलाती है, खा जाती है और सिर्फ तबाही छोड़कर चली जाती है। लेकिन ये गर्मी भी देती है और इसकी गर्मी के अंदर लाइफ की फिर से शुरुआत होती है। इसके लपटों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से मुझे फिनिक्स की पावर का इस्तेमाल करना होगा। फिनिक्स का इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा जैसा आज तक किसी ने ना किया हो। वुशु के लड़ने के एक नए तरीके को निकालना होगा, द कॉस्मिक कुंग फू। मेरा नाम है शेंग ची, मास्टर ऑफ कुंग फू, और ये है डेडली हैंड्स ऑफ द फिनिक्स। मैं अपनी सोल के अंदर पूरी फायर से हमला करूंगा, लेकिन मैं उड़ने के बजाय चलूंगा। इस फिनिक्स फोर्स से अपने दिमाग को बचाऊंगा, चाहे कुछ हो जाए, अपनी लाइफ में किसी दूसरे की जान नहीं लूंगा। लेकिन गाइस, शेंग ची का यही सोचना था कि फिनिक्स फोर्स ने उसे लड़ाई से बाहर कर दिया। वो कोई ऐसा होस्ट नहीं चाहती जिसे वो कंट्रोल ना कर सके। कैप्टन अमेरिका फिर से व्हाइट होट रूम के अंदर पहुंच जाता है। डैम इट, नहीं, मैं हार रहा था, जेन फोस्टर ने कहा। तुम्हारा प्लान अच्छा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फिनिक्स को ये बात पसंद है कि उसके खिलाड़ी कोई प्लान बनाने की सोचे। ब्लैक पैंथर कहता है, शेंग ची का फादर एक बहुत बड़ा विलन था। मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके बेटे के अंदर इतनी तो डार्कनेस होगी ही कि फिनिक्स को पसंद आ सके। लेकिन शेंग ची जिस तरीके से सोचता है कि वो अपने फादर के नक्शे कदमों पर नहीं चलेगा, फिनिक्स एक ऐसे होस्ट को नहीं चाहती, जेनिफर कहती है। और हाँ, जहाँ तक किलर्स की बात है, नमोर अपनी लड़ाई जीत चुका है। देखो, मैं बाकी तुम सब लोगों की तो नहीं जानती, लेकिन मैं ईको को अपने कानों में चिल्लाता हुआ सुन सकती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इस नमोर ने उसके साथ क्या किया। ब्लैक नाइट कहते हैं, वही चीज की होगी जो ये हम में से किसी के भी साथ करने वाला है, शाना ने कहा। मैं पहले भी प्री हिस्टोरिक मछलियों के साथ लड़ चुकी हूँ, ये जाबू हमेशा उनकी हड्डियाँ खाता रहता है। तो अमेरिकन ईगल कहता है, हम सभी यहाँ पे मछलियाँ नहीं है। कैप्टन ने कहा, हम फिनिक्स का गेम नहीं खेल सकते, लोग मरने वाले हैं। तो ब्लैक पैंथर ने कहा, ये कोई गेम नहीं है स्टीवन। कैप्टन अमेरिका कहता है, लेकिन ये फिनिक्स के लिए खेल ही है। हमें इस जगह से बाहर निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि हम बाहर निकलकर फिनिक्स के साथ लड़ सकें। ब्लैक पैंथर ने कहा, मानो या ना मानो, हमारी लड़ाई यहीं पे है। मैं घंटों तक नाइट होक के साथ लड़ा था, हमें से कोई भी जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तब फिनिक्स फोर्स ने उसकी बजाय मुझे चुना। इस टाइम पे हम सभी एक ही डर के साथ लड़ रहे हैं, हारने के डर के साथ। और इससे भी ज्यादा डरावनी ये बात है, क्या होगा अगर हम जीत गए। अमेरिकन ईगल ने कहा, नहीं, मुझे डर नहीं है। ब्लैक नाइट कहता है, क्या होगा अगर हम जीत गए। वेल, मुझे लगता है कि अवेंजर्स और फिनिक्स के बीच फिर से एक लड़ाई होगी, लेकिन इस बार फिनिक्स फोर्स का होस्ट कोई एक अवेंजर ही बनेगा। तभी लोगन कहता है, अब मैं एक अवेंजर नहीं हूँ, और तुम में से किसी के पास भी उसकी पावर्स नहीं रहने वाली, कम से कम लंबे टाइम के लिए तो नहीं। तुम लोग पहले ही म्यूटेंट से बहुत कुछ छीन चुके हो, तुम्हें फिनिक्स भी नहीं मिलेगी, जेन फोस्टर ने कहा। अरे, यही तो फिनिक्स चाहती है, वो हमें एक दूसरे से लड़वाकर बांटना चाहती है, लोगन बोलता है। ये बात तुम कर रही हो, तुम तो वही हो ना जिसने थोर का हैमर और उसका नाम चुराया था। इन दोनों की बहस को देखकर कैप्टन ने कहा, आज यहाँ पे हम में से एक तो मरने ही वाला है त'चाला, हमें जल्द ये लड़ाई खत्म करके इस पंछी को उसके घर पहुँचाना होगा। ब्लैक पैंथर कहता है, क्या हो अगर ये अर्थ ही उसका घर हो, तो क्या हो अगर ये एक स्पेशल कारण के लिए ही हमारे पास आई हो। कुछ भी हो, हमें तैयार रहना चाहिए, फिनिक्स के अंदर वालों को भी और फिनिक्स के बाहर वालों को भी। अवेंजर्स माउंटेन का द ब्रेन रूम, मूनगल और द डेविल डायनासोर हारकर लड़ाई से बाहर आ चुके हैं। मूनगल कह रही है, ओके, मैंने तुम लोगों के सेलेस्टियल टेलीपोर्टर को फिनिक्स फोर्स के रेडिएशन सिग्नेचर के ऊपर लॉक कर दिया है। अगर हम इस फिनिक्स फोर्स को तुम्हारी अवेंजर्स माउंटेन की जेल के अंदर डालेंगे, क्या तुम्हें पक्का लगता है कि फिनिक्स फोर्स वहाँ पे कैद होकर रह पाएगी। गोरिल्ला मैन ने कहा, एक सेलेस्टियल जेल है बच्ची, ये उसे कैद रखेगी। तभी ब्लेड इनसे कॉन्टेक्ट करता है। थोर कह रहा है कि हमें इसे आखिरी रास्ते के तौर पर बचाकर रखना चाहिए, अगर ये पंछी हमारे बस के बाहर हो जाती है तो, या फिर कम से कम तब तक जब तक अवेंजर्स वापस नहीं आ जाते। टाइगर शार्क कहते हैं, हमारा किंग नमोर अवेंजर्स की राह को तुम्हारे पास वापस भेजेगा। ब्लेड ने कहा, अपने लोगों को पीछे रखो, गॉड के ऑर्डर्स हैं। और कोई कहती है, और इस गॉड के पास एक बहुत बड़ा हैमर भी है। हारकर बाहर आए हुए लूक केज ने कहा, डैनी, जिस जगह पे फिनिक्स फोर्स ने हमें भेजा था, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, वो सबसे सफेद जगह थी। जबकि डैनी लूक केज की बात का जवाब न देकर गोरिल्ला मैन से पूछते हैं, अगर तुम कंट्रोल रूम के अंदर हो तो उस बच्चे की देखभाल कौन कर रहा है। लूक केज ने पूछा, अवेंजर्स के पास एक बच्चा है, किसका बच्चा है। डैनी ने कहा, स्पेस बेबी। तब तक गोरिल्ला मैन ने जवाब दिया कि बॉय थिंग उस बच्चे की देखभाल कर रहा है। लूक केज कहता है, बॉय थिंग, ये कुछ सही नहीं हो रहा। डैम, यहाँ पे प्लांट किड्स हैं, स्पेस बेबीज हैं, गोरिल्ला मैन है, और हम सोचा करते हैं कि जब हम अवेंजर्स की टीम में थे तब वो टीम ज्यादा अजीब थी। हैं, मूनगर्ल ब्रू से बात कर रही है, ये तो काफी अमेजिंग टेक्नोलॉजी है ब्रू, तुम्हें तो अपना सारा टाइम यहीं पे गुजारना चाहिए। ब्रू ने कहा,
मैं गुजारता हूँ। टोनी स्टार्क ने मुझे कॉफी के बारे में बताया था और अब मैं तभी सोता हूँ जब मेरा मन करता है। मून गर्ल कहती है, मुझे भी तुम टोनी स्टार्क का नंबर दो ना, मुझे अपनी मॉम के लिए चाहिए। एवेंजर्स देखो, फिनिक्स फोर्स की एनर्जी फिर से बढ़ रही है। गोस्ट राइडर कहता है, पता है, क्योंकि हम ही इसे बढ़ा रहे हैं। कैप्टन मार्वल ने कहा, साफ दिखाई दे रहा है कि इसे तुम्हारी हेलफायर्स की चेन पसंद नहीं है। गोस्ट राइडर ने कहा, वेल मुझे इसकी आंखों तक पहुंचा दो, तब इसे मेरी पीन एंड स्टेयर भी पसंद नहीं आएगी। टोनी स्टार्क थोर के बारे में बात कर रहा है, ये एक घटिया प्लान है। उसे क्या लगता है कि वो क्या कर रहा है? हम पहले भी फिनिक्स फोर्स के साथ डायरेक्ट लड़कर देख चुके हैं, एवेंजर्स ये लड़ाई नहीं जीत सकते, कम से कम अपने दोस्तों को खोए बिना तो नहीं। कैरोल कहती है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? थोर के लिए ये लड़ाई एवेंजर्स से कहीं बढ़कर है, ये पर्सनल लड़ाई है। इधर थोर फिनिक्स फोर्स की तरफ बढ़ते हुए कह रहे हैं, मैं इस आग को अच्छी तरीके से पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इसके साथ बातचीत नहीं की जा सकती, ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है, ये सिर्फ एक जलता हुआ लावा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसे चोट पहुंचा रही है, ये सबसे बड़ी घमंडी है। मैं हूँ थोर ओडिनसन, थंडर फादर ऑफ एसगार्ड, और मुझे फिनिक्स से नफरत है, लेकिन मुझे याद नहीं क्यों है। स्टोनहेंज के ऊपर ब्लैक नाइट कह रहे हैं, इबोनी ब्लेड को एक टूटे हुए स्टार स्टोन से बनाया गया था जो कि स्वर्ग से अर्थ पे गिरा था, वही स्वर्ग जहाँ पे फिनिक्स फोर्स प्लैनेट्स को राख बना डालती है। अब तुम इन दोनों ताकतों को एक होता हुआ देखोगे फिनिक्स नाइट के हाथ में। गाइस इसका मुकाबला है रेड विडो के साथ। रेड विडो बोलती है, तुम्हारे पास एक तलवार होगी लेकिन तुम चलाने के बजाय बोलना ज्यादा पसंद करते हो, मैं तुम्हें तलवार चलाना सिखाऊंगी जब मेरी ये तलवार तुम्हारे पेट में होगी। बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर के आसमान में अमेरिकन ईगल की लड़ाई शाना के साथ हो रही है, जबकि लोगन सोच रहे हैं ये सभी लोग इस तरीके से नाटक कर रहे हैं जैसे कि वो फिनिक्स फोर्स का अगला होस्ट नहीं बनना चाहते, फिर चाहे ऐसा करने के लिए वो एक दूसरे को मारना ही क्यों ना चाह रहे हों। ऐसा नहीं है कि कोई उड़ना नहीं चाहता हो, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हर टाइम कोलोसस से मुझे फेंकने के लिए क्यों कहता हूँ? मैं उड़ना चाहता हूँ। और ऐसा नहीं है कि कोई मरकर फिर से जिंदा होने की पावर्स को अच्छा नहीं मानता, शायद हम इसे कंट्रोल करने के बारे में डर रहे हैं, लेकिन हम सभी अपने आप से कहते हैं कि हम कर लेंगे। जेन फोस्टर की लड़ाई हल्क के साथ हो रही है और हल्क हारना नहीं चाहती। लोगन अब भी सोचे जा रहा है, मैं इन सभी की आंखों में इन भावनाओं को बहता हुआ फील कर सकता हूँ, उनके अंदर भी जो इसे नकार रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने अंदर भी वही सब दिखाई दे रहा है। मुझे याद है कि मुझे अपने खुद के ही विचार पसंद नहीं आते, कई साल मैंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करते हुए बिताए हैं, लेकिन हाल फिलहाल मेरे जैसा आदमी भी अच्छा काम कर सकता है, खासकर तब जब बहुत कुछ गलत करना हो। फिनिक्स फोर्स तारों के अंदर से निकलने वाला मुझ सबसे मीठा फल हो सकती है, लेकिन इसका जूस पीने लायक नहीं है, ये फल एक खतरनाक कीमत के साथ आता है। कई बार मैं दूसरे लोगों को इसकी कीमत चुकाते हुए मरते हुए देख चुका हूँ, जीनी को मरते हुए, रेचल की फैमिली को उसकी आंखों के सामने मरते हुए, हॉप को एक मसीहा बनने के लिए अपने बचपन को गवाते हुए, मैं अपने सामने अच्छे लोगों को मरते हुए देखकर थक चुका हूँ। वार सहना मेरा काम है, नाम है लोगन, वेपन एक्स द वुल्वरिन, और अब मैं हूँ द फिनिक्स। तो गाइस लोगन का सामना ब्लैक पैंथर के साथ हो रहा है। इधर फिनिक्स फोर्स की तरफ बढ़ता हुआ थोर सोचता है, क्या मेरे फादर के साथ फिनिक्स फोर्स का इतिहास मुझे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, मेरे फादर का तो हर किसी के साथ मनमुटाव है, कुछ तो बात है, मेरा फिनिक्स फोर्स के साथ कुछ अलग ही कनेक्शन है जो कि मुझे बार बार फील होता रहता है, लेकिन ये बात मेरे सामने कभी नहीं आई, भगवान ही मुझे बचाए, मुझे कुछ प्यार की फीलिंग आ रही है। तभी लेडी फिनिक्स बाहर निकलती है, बहुत हुआ, मैं आज यहाँ तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहती गॉड ऑफ थंडर, और तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं, समय है कि तुम अपने एग्जिस्टेंस का सच जान लो, वो सच जो तुम्हारे फादर ने सदियों से तुमसे छुपा कर रखा हुआ था। मैं तुम्हें यहाँ पे सभी कुछ बताने आई हूँ मेरे बेटे। तो गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एम करते हैं 1400 लाइक्स के लिए।